एक ने भी बेटा आगे नहीं आवा है, बोल देता हाँ मैं तुमको ना तो बेटा मरी मरी जान का कुछ भी कर लो, कुछ भी मार लूंगा मैं, तुम पे 302 बना दूंगा बेटा कोदट में, फिर 302 के केस में बड़े पाव खाते बैठेंगे, फिर हाँ बोल देता मैं तुमको। हाँ नहीं तो क्या, मैंने कुछ नहीं करा उनको, वो सारे पागल की जात के थे, उनको बोला देखो दे तुम्हारी दवा ये है, तो बोले नहीं मैं यही खाऊंगा, मैं बोला देख दे ये नहीं है, बोले नहीं मैं यही खाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मैंने भी दे दिया। फीस कर दे वहां पे एक तो हाँ, अरे दूसरे डॉक्टरों को देखो तुम जाके, जरा सा नाक के पास लगाए यहाँ लगाए सांस ले 200 ले लेते वो, मैं जितनी फीस लेता ना उतने में बेटा भजिए भी नहीं आते मालूम है क्या, इतनी फीस लेता मैं, उसमें भी तुम मेरे को दौड़ा दे, वाह दे वाह इंसानियत है क्या कोई, हटो मैं जा रहा है, बोल देता और किने मेरे को हाथ लगाया ना तो फिर देख लेना, हाँ नहीं तो क्या होगा फिर, हट आगे क्या बढ़ता बेटा, आगे बढ़ना मत तुमको समझा देता। और फिर ये हुआ कि नकली डॉक्टर जैनिया दादा को उसी के एक मरीज ने ब्लैकमेल किया, उसे पुलिस की धमकी दी, तब जैनिया डर गया और उसने उस मरीज को पैसों का लालच दिया और अपने साथ शामिल कर लिया, और दोनों ने मिलकर कैसी मचाई धमाल, देखिए खानदेश का डॉक्टर जैनिया दादा MBBS के सेकंड पार्ट में। कहाँ चले गए तो ले? क्या छपा रहा है ले? अरे मेरे बाप क्या मारा है ले? एकदम नीले नीले आके उसके एकदम ऐसी चलती ना मेरे गुर्दे में ना था खट खट आवाज। अबे तो वो खूबसूरत है तो तेको क्यों मिर्गी आ रही, इतनी बुरी बुरी सीर झोड़ रहा, हाथ पांव झोड़ रहा। जैनिया मेरे तरफ देख के हंस रही थी, बाकी मैं क्या करूं। अल्लाह मैंने मुझे इतना खूबसूरत बनाया, बाकी मैं क्या करूं। अरे मेरे बाप मैं क्या बताऊं, इधर ही आ रही वो नीले आके, तो नीले आके। अरे मेरे बाप, अरे बाप किने फतवा फेंका क्या था ऊपर से, यार चल बुला के ला उसको जाके, उन्हें तो आ जाओ ना, आ जाओ ना मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख देना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम में निकल जाए। इसको देख के तड़फड़ रहा था मुर्गी के जैसा, क्या रे और क्या नाम है तुम्हारा? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित।
ए बाबा डॉक्टर इसको हटा तो मेरे को खट्टी टका रहा है इसका मुंह देख के। ये दवा खाने में छिछोता पना करता कहते हैं, साइड में खड़े हो, क्या नाम बताया तुमने? माधुरी दीक्षित। अरे तुम तो अधूरे भिस्कुट है, काय को बिचारी को बदनाम कर दे तुम। हाँ अगर उसने तुमको देख ली ना, अरे मेरे बाप रे बाप, ऐसा लेंगी जहर की बुकनी अंदर फक से फाकेंगी और वहीं पे टंगड़े रगड़ रगड़ के मर जाएंगी। मालूम है क्या माधुरी दीक्षित बोले, वाह रे वाह तुमको बीमारी क्या है उत्ते बात करो तुम, हूँ मत करो मेरे सामने, तुमको समझा देगा इमलिया खा के आएगा तुम। ए डॉक्टर ज्यादा बात मत कर मेरे साथ, इंसान जब बीमार रहता ना जब ही दवा खाने में आता, मेरी बीमारी क्या है वो छोड़ दिया, दूसरे बात कर रहा पटार पटार। तो ज्यादा फजीहत कम कर दो, तुमको समझा देता मैं। हाँ नहीं तो क्या, एक तो दवा खाने में आए हो ढला दे इधर उधर कर दे, आए मेरे कंप्यूटर को भी भयका दे तुम। अगर अब तुमने अगर जरा सभी होठ इधर उधर करे ना तो तुम्हारे दोनों होठ में है ना कड़ी कोंडी फंसा दूंगा मैं। अरे जान दो गुस्सा छोड़ो, तुमको क्या हुआ मुझे बताओ। देख रहे डॉक्टर इसका चिचोरापना, अरे कैप्सूल को दूर सरका, मैं तो कच्चा ही निकल जाऊंगी बिगर पानी के। देखा देखा देखा, एड़े ज्यादा लाइन से खड़े रहे, अगर बेटा तेको इन्हें गट्ट करके निकला ना तो कहीं भी उसके पेट में कोने कापड़े में बैठ के बेटा जिंदगी भर रोएगा तू, मालूम है क्या? ओह तुम ना एकदम ज्यादा छिछोरा पना कम करो, दवा खाने में आए है तुम्हें, रब जगह में नहीं आए ऐसे बात करते तुम, तुमको बीमारी क्या है तुम वो बताओ बस। मेरे को ना रोज सपने आते और मेरे सपने में ना सलमान खान भी आता, और कैसे कहता मालूम है क्या, चल शिकार पे जाएंगे, और एक बार तो शाहरुख खान भी मेरे सपने में आया था, शाहरुख खान, और आया और मेरे को बोलने लगा कैसी है किरण, मैं तो उसको देख के डर गई बाबा। और हाँ डॉक्टर साहब बॉलीवुड है ना, पूरे बॉलीवुड एक्टर मेरे सपने में, और बॉलीवुड तो बॉलीवुड मॉलीवुड है ना मॉलीवुड, उसका एक आसिफ अली बेला नहीं है क्या, वो भी मेरे सपने में आता। तूने इसकी पीठ में बुक्का मारा कहते, ये पहलवान भी आया था मेरे सपने में, ये पहलवान भी आया था, देख दे क्या उसको कितना भयान है वो, मालूम अगर तुम्हारे सीट पे ऐसा खाली मार दिया ना तो इतने कड़ जाएंगे जमीन में तुम, एड़े एड़े बात करते वहां पे दवा खाने में आके। हाँ ये तो क्या शाहरुख खान आया था, सलमान खान आया था, ये आया था, वो आया था, वाह रे वाह, अब कल तो तुम्हारे सपने में ये भी आएगा, फिर मेरा कंप्यूटर भी आएगा। ये देखो कैसा खुश होता वो, हाँ ज्यादा खुश मत होना, हंस मत ना ज्यादा, थक जाएगा ना। ये क्या आएगा मेरे सपने में, जिस दिन मेरे सपने में आएगा ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ ये तो छोड़, पर तू जरूर आएगा डॉक्टर मेरे सपने में। ये मसाले के पान में काले सूखे, हाँ मेरे को डॉक्टर से छिछोरा बनने पे मजबूर मत करवाए, बोल देता तुमको। हाँ और ये आड़े तिरछे सपने देखना ज्यादा बंद करो, क्या खा के सोते तुम रात को, वड़े पाव खा के सोते क्या? हाँ तुमको कैसे मालूम कि वड़े पाव मेरे पसंद की चीज है, चलो ना वड़े पाव खाएं। नहीं रे डॉक्टर मेरा मामला बहुत सीरियस है, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चों का? तुम्हारी शादी हो गई, बात बताओ तुम्हारी बलात आई थी क्या गई थी? ये डॉक्टर तू कुछ ज्यादा ही बोल रहे, ये मेरा शादी के बाद का केस है। तुमको खाब आते ना, हाँ शाहरुख खान सलमान खान आ रहे ना तुम्हारे खाब में, इसका एक ही इलाज है मालूम है क्या, मैं तुमको है ना इसका फोटो दे देता, रात को सोते टाइम है ना इसका फोटो देख लेना, हाँ उसके बाद तुमको खाब नहीं आएंगे, बस इसका एक ही इलाज बचे ले बस मेरे पास, और मेहरबानी करके तुम जाओ अब यहाँ से, आए क्योंकि तुमसे पूरी दुनिया हद गई, तो मैं क्या लग रहा भाई जाओ। काय का डॉक्टर है रे तू, गंज नाम सुनी थी मैंने तेरा, जैना डॉक्टर फालतू डॉक्टर है तू, जा रही मैं। अरे सुनो जी, हट रे कैप्सूल। जी बैठो जी। अरे क्या जैना उसको भगा दिया, अच्छा वाला मूड बनेल था ना, तो रख लेता तो कम भगा लेती थी वो, सारा मूड खराब हो गया है। क्या तारीफ करता था, बोले ऐसे आख्यान ऐसा कलर, इतना बुद्धिगत का था वो, क्या सलाह पूछने की बात नहीं, अगर वो कुएं में झांक लेना तो बेटा सर से कुएं का पानी सूख जाता। मुकदम मेरे समझ में आया, नर्स रखना पड़ेंगी एक, यहाँ पे लेडीज लाना पड़ेंगी, सलाह जब काम बनेगा ये
नहीं तो ऐसी मरीज आएंगे और तू अलग खुश होया करेगा। क्या पंद्रह साल नर्स लाता एक हाथ। नर्स का नाम ही मत ले तू, उसको लगा लेना, नहीं तो समझ ले काम भी नहीं होगा। मैं यहाँ से काम तेरा कब छूटेगा मालूम है क्या? जब तू दुनिया छोड़ेगा, समझा था ना? ये टीवी पे नहीं देखता क्या था तू? हाँ, एक ऐसी खूबसूरत औरत आती, सिर्फ इतना ही कहती हो। मैंने ली, तुम मिलो। हाय, कैसे पैसे कमाती बेटा, वो देखा नहीं क्या तूने? हाँ, अरे तू देख, तू बेटा अगर रोड के किनारे खड़े रह के दिन भर भी हाय हाय करेगा ना, तो कोई एक रुपया तो छोड़, कोई देखो फिटकात भी नहीं देगा, समझ आता क्या? चल काम कर अपना अपना, एक काम कर, अखबार में जा और एडवर्टाइज दे कि डॉक्टर जैना दादा के वहां पे एक खूबसूरत नर्स की सख्त जरूरत है, जा। ओ डॉक्टर साहब, खून लग रहा है क्या? हाँ, खून खून लग रहा है क्या? खून तू देता, खून तू देगा खून? ओ, मुझे नहीं इतनी भीख लगी, मेरा दोस्त देता। जब तू ऐसा है तो तेरा दोस्त कैसी क्या होगा? हाँ, जला बुला के ला तो उसको, कौन है तेरा दोस्त खून देता हो? कान से आवाज आ जाएगी, वैसा मत करो दादा तुम। अरे बाप, तोबा तोबा तोबा, ला माफ कर मेरे मालिक, ये तो जोखम है। चलो ड्रम का भगोने का लाओ तो फटाफट। देखा मेरा दोस्त डॉक्टर। क्या घमंड से बोल रहा? हाँ, तेरा दोस्त खून देने आया, वो मालूम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं पलटाने आया वो, खून देने आया। अबे इसको है ना वाटर पंप लगाना पड़ेगा, उसमें भी दो तीन बूंद टपके तो टपके, नहीं तो मालूम है क्या, खाली वाटर पंप घूम 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 करके सारी मोटर स्टार्ट हो जाएंगी। मालूम है क्या बोले, खून देने आया ये। जरा जबान संभाल के डॉक्टर, ने तो खून की नदियां बहा दूंगा। खून के नदियां भया रहा? अरे हालत के हिसाब से बोलिया कर, मालूम है क्या, तू बोल खून की नाली भया, नाली देखो खून होना के नहीं होना, इतना बोल खाली। इतना कैसा खून देने के वास्ते वलवल कर रहा है तू? हैं, खून देगा ना तू? खून देगा ना? चल देखू, ये ढक्कन भर के मेरे को खून दे दे बेटा, मान लूंगा मैं तेरे को क्या तू खून देता। ढक्कन रहा ढक्कन के, देखो पहलवान को, देखा क्या वो पहलवान को? अब तू बोलेगा कि ये दोनों को खून तूने दिया है ना? मैंने नहीं दिया, लेकिन जरूरत पड़ने पे दे सकता मैं इनको खून, इनको भी मेरी जरूरत पड़ सकती, समझा क्या? इसको लेके जा तू आए, अब मेरा सारा सिर ना ऐसा भन भन करने लग गया, नहीं तो बेटा देख रहा ये क्या है, ये इंजेक्शन, इससे तेरा खून निकालूंगा मैं, तेरी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में जो गुद्दे है ना, वो सारा गुद्दा ही काट लूंगा मैं, चल निकल। अरे क्या लुक्के डॉक्टर के पास लाए हुए तूने, चल सरकारी में। हाँ जा, नहीं तो क्या झुट्टिया वादा कर रहा, इसको खून दिया उसको खून दिया, अरे इनकी नस तो वो बेटा तेरे डंड है मालूम है क्या? जा खा पी सो जा, आराम कर, उसके बाद चिल्लाना। तुम डॉक्टर है क्यों? डॉक्टर है तुम? नहीं, कंडक्टर है कंडक्टर। चला टिकट घेतला का? चला भाई पुढे सरका, चले टिकट घेतला का? दे ए, चला पैसे ला। अरे बुरी गत के, ये तेरे टंबे टंबे आंखें देखने के है क्या दे? हैं, डॉक्टर है मैं डॉक्टर, क्या हुआ रे? मजाक मत करो, देखो ना मेरा भाई कैसा कैसा कर रहा वहां पे। मेरा भाई डॉक्टर साहब कैसा कैसा कर रहा, देखो ना वहां पे। मेरा भाई कैसा कैसा कर रहा ना वहां पे। वो दो मत आए ना, तो मेरे को हंसी आ जाएगी, यहाँ बोल देता मैं एक तो। जा तेरे भाई बुला, क्या हुआ तो? ये मुझे बाप, अरे बाप, ये कौन है? विदान ताजिया? ये मेरा भाई है अस्पाक, इसको माया से हम अस्या दादा कहते। अस्या दादा? अरे ये तो मेरे को रस्या दादा दिख रहा। हाँ, बाल भी बढ़ा लिया भाई तूने। हाँ, मार्केट में जाना मत, नहीं तो है ना तेरे बाल काट के थैले सीधा लेंगे लोग। अस्या दादा,
क्या हुआ तुमको? आए कुछ कहते मुंह से क्या? बस खाली झटक दे बस। आए कुछ कहते मुंह से क्या होगा तुमको? क्या बे ये क्या टुकड़ टुकड़ देख रहा बस मेरे को खाली? कुछ कहे भी नहीं था ये तो। कहे क्या अस्सा दादा? अस्सा दादा कुछ बोलता उनको बताता क्या होगा तेरे को? बताता कुछ तुम ही पूछो डॉक्टर साहब। बेटे क्या बाप का जावा उसमें? वाह बे खेड़े पाड़े के माइकल जैक्सन। अब बोल व्हाट इज यू आर द प्रॉब्लम? मैंने तुमको ऐसा क्या गलत सलत बोला क्या? तुम मेरे भाई जैसे है ना। कौन सा जन्म का बदला लेगा तू? अरे ये बीमार नहीं है इसने तो मेरे को लग रहा एक हाथ अंग्रेजी फौजी निकल लिए ले। ओ भाई ये फाइटिंग बीटिंग बता मत है मेरे को तू। हाँ तेरे को बोल देता मैं मजबूती से डॉक्टर बन के बैठे ना। ढिसुम ढिसुम कद बत मेरे सामने तेरे को मालूम नहीं है फिर? मैं भी बेटा ब्लैक बेल्ट है फिर। हाँ समझ ले। ए देख अब बोल क्या बोलता मैं से बात कर। अच्छा मचेगा कर आज दिन भर रात भर यही करेंगे अपन दोनों। आए ये प्लास्टिक के मुके इतना ये क्या लेके आया मेरे पास तूने? ये मेरे को भी थका रहा खुद भी थका रहा क्या करूं मैं इसका रे? रुके क्या दमो दम कर दिया रे? अरे मेरे बाप ये मेरे वहां का केस नहीं है। ए तू भी सुन और इसको कहा लेके जा मालूम है? ये दवा खाने का केस है ही नहीं है। इसको 40 गांव की दरगाह पे लेके जा। चार जुमे रात जब ये सिकले से बांध के बैठेगा ना वहां जब ये थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ ठीक। तो फिर क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ? अरे मेरे को तो लग रहा इसने एक हाथ अंग्रेज भाई वो भी नाचने वाली मालूम है क्या जो कलम में नाचती ना वो भी लिए ले इसको और एक फाइटर भी लिए ले मालूम है क्या जेटली क्या है मालूम नहीं वो तो। चले लेके जा इसको जा आ गया लेके मेरा भाई है अनु है। चले जा भाई। ओ भाई ददगांव पे जा ददगांव पे। मुजावर नहीं है मैं डॉक्टर है। तेरे काम तो सारे ऐसे रहते इतना कदा ठंडी मट्टी का है। अरे मैं कब से हो रहा दवा खाने में लेडीज होना लेडीज नर्स जब तो लाइन से बात कदे करना वे मैं तेरा छोटा सा भाई नहीं है कुछ डॉक्टर है मैं। और जब तो ऐसा ऐसा मार दिया मत कर भैया कहते मैं तेरा छोटा ऐसा मारता ठोकता क्या भाई? मुझे भी समझ रहा कि औरत होना मगर मैंने बोल गया आया अभी तक आई नहीं वो मैं क्या करूं जाके देख। और एड़े जितनी जान है ना उतना काम कर दिया कर। औरत होना मेरा टेंशन नहीं समझ रहा तू औरत होना बस। टेंशन नहीं समझता मैं तेरा? अरे एड़े फतरे औरत खुद एक बहुत बड़ा टेंशन है तेरे को मालूम है क्या? हाँ बात कर माँ को छोड़ के औरत जा पूरी के पूरी टेंशन में औरत बहन है वो भी टेंशन भाई को होते। बाप साला जब से मेरी बहन दजिया जवान हुई जब से साला फुप्पू का बेटा नीचे रोज घर पे आ रहा वो एक टेंशन अगर औरत है जब भी टेंशन आदमी को बेचारा काम करते रहेगा सोचते रहता साला क्या करना घर को साला औरत अकेली है
हाँ पड़ोसी भी सलाह नीच है, कभी भी कूद के घर में आ जाएगा, क्या कर लेगा? और खुद एक टेंशन है बुद्धि गत के, तू क्या मेरे को सिखा रहा? चलते चलते तो काम कर जाएगा। और तेको इतनी फिकत है ना, हाँ नर्स होना औरत होना। हाँ तो बेटा मैं आया ना अभी, तो मैंने पूछ के आया, मेरे को मिली नहीं वो, जाके देख तो आई के नहीं आई वो, ले गया उसको साथ में ला जा। जरा सी जान है, खाब देखो ऐसे बड़े बड़े देखता तू। क्या होगा पता है ऐसा क्यों लोग होगा? अरे क्या हो गया अरे? खिलाएल गिरगिटाउन के जैसा काय को ताल फाड़ रहा, क्या हुआ क्या? इन्हें मारा के तो सीधे में छड़गिड़ मार दिया क्या इसके? अबे क्या मुक्की भिड़न चला था? अबे कोई एंटीना हलाओ तो दे, सदा आवाज ही नहीं आ रही। नर्स की जरूरत है इसलिए मैं काम के लिए आई हूँ। नर्स? नर्स के वास्ते आए थे? काम करेंगे तुम यहाँ पे? हैं? अरे तुम खाली यहाँ पे आए तो मैं कंप्यूटर को संभालना मुश्किल हो गया। हैं? हम में लड़ाया हो दे हैं? तो मतीजों में क्या होगा? और नर्स है ना ऐसी नहीं आती, सफेद छक कपड़ों में आती, तुमने तो वो क्या पहन के आए? हैं? तुम्हारे छोटे भाई का टी शर्ट पहन के आ गए तुम। अरे मरीजों को तो जो मरीज 15 दिन में सलाह अच्छा होने वाला 5 दिन में मर जाएगा तड़प के फड़क से। वहीं लग जाओ तुम काम पे, मगर ज़्यादा से ये है ना तुम्हारा ज़्यादा ड्रेसिंग चलेगी नहीं है। पहले ही बोल दे सफ़ेद भग कपड़े, ये कपड़े भी दे और इनको काम भी समझा दे। हाँ मैं आ रहा एक पेशेंट देख के।
कंप्यूटर नहीं है? तुम समझ रहे हो कंप्यूटर, ये सब मेरा शौक है, ये शौक है, ये सब मैंने लगाया, ये सब पैसा मैंने लगाया। जाने कहने सिर्फ डिग्री अभी शौक ना, अभी खाली करवा सकता। पैसे की जरूरत थोड़ी ना, तो अपने को बोलना। अरे 5-10 हज़ार तो अपने पास ऐसे पड़े रहते, आधी रात को दूंगा। हाँ, और किचन का मूड हुआ ना, अरे बालकनी 100 का मिलो या 200 का मिलो, है ना कुल। मजे के बात चल रही, भेन भाई में दोनों में आए क्या भाई? हम को तेरा बाप का देगा कहते। अरे अभी तो फर्सी साफ करा ना, अभी तो आके बैठा हूं मैं। सारी सफाई कर लिया बोले, हैं बाथरूम साफ करा कहते, चल जाके कर। यहाँ पे इलू इलू करते मत बैठ, अंदर जाके काम धंधा देख। जाओ काम देखो। क्या बे? अरे ये लावारिस होटल का मालक कौन है बे? इधर आओ। ए बच्चर बच्चर, ए बच्चर बच्चर, अरे बच्चर। अरे क्या बात है, काय को चिल्ला रहे हैं? बोलो क्या पिएंगे? अरे वाह रे वाह, क्या पिएंगे बोले? अरे तूने हालक तक पी के आया, उसका कुछ नहीं क्या? पैसे की पी ले बच्ची, कुछ ही नहीं पी ले समझे क्या? हमको तो पीला कुछ ठंडा कदम, जा पानी ले गया। लड़की के साथ आया तो रूह बता रहे क्या? बच्ची नहीं पानी ला जाके, अब भी ले गया रहा। ये ना ऐसी दिमाग खराब करते, ये जो बच्चा था ना, ये सही नहीं है। अरे मैं क्या, हाँ मेरा बोलता तुम्हार, अगर तेरे बाप ने तेरी मेरी शादी नहीं करा ना, तो फिर मैं क्या करूँगा मालूम है? कहते को हाँ मैं जैद खा लूँगा, हाँ जैद खा लूँगा। हाँ फिर भूत बन के तेरे बाप को कैसा परेशान करूँगा, फिर देखना तूने। हाँ मैंने तो बाप के सामने जैद खा के मरने का कहा, नाचने का नहीं कहा, जो इतना ही तू अपने खेती खेती करती तो। अरे मेरे पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक है, उनके कब्जे में 100-100 भूत रहते हैं, तुम क्या डरोगे मेरे पिताजी को भूत बन के? ये बात बोलता ज्यादा गौर से सुना है, इसको बोलना मत। एक हफ्ते के अंदर अंदर है ना आप उन्होंने शादी कर ली है मालूम, कुछ चुप से किसको बोलना मत। हाँ तेको बोल देता मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ तृप्ति को बोलूंगी। ये नहीं उसको मत बोलना, वो बहुत हल्के पेट की पौधी है, वो सारे गांव में पेट पे फिटनी मालूम है क्या? अरे वो मुझसे हमेशा कहती है कि तेरे से तो कोई घनचक्कर ही शादी करेगा, अब इसलिए मैं उसको बोलूंगी। एक बात बता मेरे को, तुम ऐसे मोहब्बत का नाटक तो नहीं कर रही क्या? मेरी बेइज्जती कर रही यहाँ पे बैठे बैठे हैं। बोलो क्या लो साहब? देख के बोलने को तेको दो गादा आए साहब, इधर है उधर क्या पूछ रहे थे? क्या ठंडा ला जाके है ना, पानी पिलाने का रिवाज नहीं होता तुम्हारी होटल में? पानी ला जल्दी से। ये लो पानी भाई दर। और क्या रे, मेरे मुंह के अंदर ओपनर है क्या? कैसे खोलू ये? ओपनर लेके आ जा। पिला रहा खाने वाले को भेज जाके जा।
अरे तो आप भेज रहे तो आप क्या बता रहे? दिमाग खराब करता है एक तो। चलो खाने में क्या लो, फटाफट बोलो। दादा दादा भीमका था क्या? खाने में क्या क्या है थे? तंदूरी चिकन है, चिकन टिक्का है, मटन टिक्का है, चिकन मसाला है, मटन मसाला है, पाव में सुई दे देता, चिकन मसाला है, मटन मसाला है, पाव में मैडम सुई दे देता मैडम। दादा लाइन से सूख के पत्ते के जैसा थस थस करता गया हाँ? और बहुत बेटा बचत बचत करता, अभी तो पहले पाँव में दिया था, अब तो बेटा जबान में सुई दूंगा, जा खाने को ला चल। मैडम पाँव में सुई दे जाने आनी तो क्या क्या ये चलता क्या है साला? कुछ चक्कर तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। और तू भी ज्यादा एक ही टेशन पकड़िया कर, आकाशवाणी तेरे सामने बैठा, कोई भी टेशन पकड़ी तू तो वाह देवा। और ये बुद्धिगत का बैठन नहीं देगा अपनों को यहाँ पे, चल कहीं हाथ क्या रे दादा दादा ले दुआरी फैला रहा दवा खाने में है ना। और सुन ले बेटा, अगर एक हाथ अलस लेते टाइम हड्डी चटकी ना तो फिर मेरे पास मत आना है, अच्छा नहीं करूंगा तेरे को, समझा दे रहा मैं। हाँ ये दादा, अबे अबे गुस्सा बता रहा मेरे को तू, गुस्सा बता रहा तू मेरे को हाँ, गुस्सा भी ऐसा बता रहा ऐसा लग रहा कि ने गिदगिटा उनको तंबाकू खिला दिए ले। हाँ तो क्या आलस लेना नहीं दवा खाने में, तेको समझा देता मैं, दुआरी फैला रहा तू दवा खाने में क्या बे? एक तो सलाह पहले ही बदीजी आ दे, एक हाथ दुआ उन्होंने भी सलाह नाक में दम कर दिए मेरा, अन बैठे बैठे आलस ले रहा वहां पे। ओ भाई दूसरे का गुस्सा मेरे पे मत उतार, कुछ काम नहीं है, क्या काम करना, चलो मक्खिया भी नहीं बैठ रहे तो मारे सारी मक्खी, गुस्सा बताना नहीं मैं तू, दूसरे का गुस्सा मेरे पे काय को उतार रहा हाँ, मेरे से रुबाब से बात नहीं करने का नहीं तो तेरा सारा भांडा फोड़ दूंगा। क्या मारेगा क्या तू मुंगले हाँ? तू क्या बोलता थे, भांडा फोड़ेगा भांडा फोड़ेगा, उससे पहले तेरा मुंह फोड़ डालूंगा मैं, समझ लेना बेटा। हाँ दादा ये लेके जा चल, ये रखवा अंदर। क्या रे जैना जरा धोया तो कर, कितनी गंदी पटक बास आ रही। पहले अच्छा था वो, एक दिन तूने खाली होड़ के सोया, जब से गंदी पटक बास आ रही उसमें, ले जाके अच्छी जगह था उसको चल। जाना आगे देख के जाना, आंखें गिर जाएंगे ना जमीन पे, चल। अस्सलाम वालेकुम। ना दिखे देंगे दिखे देंगे दिखे देंगे दिखे हम डंडा पड़ा पड़ा हम डंडा पड़ा पड़ा डंडा नाम तबा नाम तबा नाम तबा हम दिखे देंगे दिखे देंगे दिखे देंगे दिखे ना ब्लम 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 ब्लम। अरे तुम कहाँ आ गए, ये दवा खाना है ये अखाड़न में, अब ये कौन है ये तेरे साथ रे हाँ, ये पित्तल का आदमी, और ये क्या पहन के फिर से सिगरेट के चंपने के कपड़े पहन के फिर से, और क्या रे मुँह से बजा रहा कहाँ से बजा रहा, पूरा बैंड बाजा निकल लिया क्या हाँ, तुम है कहाँ के तुम से लुटेल पिटेल बादशाह के भागे ले नवा से निकले तुम तो नहीं, क्या काम है वो बोलो, ये धब्बा धब्बा पांग पांग लगाया इन्हें किसके जाने का बुच्चू बड़ा, मैं तो बता गले में है ना खटिया का पहिया ही ठोक दूंगा इसके, समझा ना तुम्हें। झगड़ा हुआ है हमारा, मुझे तीन लोगों ने मिलके ऐ मारा, दुख की बात ये है कल प्रोग्राम है हमारा, दम गले के ऊपर ही फैट मारा। अरे
तो तुम दोनों कव्वाल है ऐसा? अरे तो कव्वाल है तो कोई ददगाव पे जाओ, ददगाव पे जाके गाओ। यहाँ तुमको क्या ददगाव दिख रही क्या? हाँ गा गा के बता रहे, मेरे को तीन आदमी ने मारे, सही मारे होंगे तुमको, घरों में जाके गाते क्या? मेरा कुछ इलाज बताओ, मैं तो मेरी जगह प्रोग्राम में तुम जाके गाओ। पहले तुम मेरे को ये बताओ तुम दोनों कि तुम्हारा झगड़ा हुआ काय पे से, और तुमको मारे क्यों लोगों ने? और तू मत बताना रे कव्वाल, वो तू आड़ा वाड़ा मुंह दे के गाता उसके बाद बताता। अरे हवा पानी सही नहीं है, अगर तेरे को लकवा लग गया ना तो वैसे ही फिरेगा फिर पेंचिस बन के, समझ आ गया? तू मत बता, तू बता दे। मैं कहने लगा बहू को बिरयानी बना के रखना, आते मैं दालिक मानी गुलगुला बना दालिया, अब चामे दाली मिर्ची पूरा मोई जला दालिया, अब तुम की मैं देवी के मंदिर में घूमूंगा डांडा जिंदा पकड़ मता ना मना दाऊ, और सूरज निकला पोरिया सटाने में रह गया, और माले गाओ की पोरी पटने आ गया, कम दिन लपत अदम अता ना मना ला दिन लपत अदम और रैया बताया दन लपत अदम बता लपत अदम बता लपत अदम बस यही मैंने गाया। सामने से एक भुक्का आया मल्ले पे मेरे मार, वो हो गया नौ तो ग्यार, अब करो इलाज हमारा। ऐसे कव्वालियां गाएंगे ना तो लोगों ने तो खाली तुमको नल्ले पे बुक्का मारे, मैं देता ना तो दोनों के नल्ले पे नक दे देता था बेटा, समझ में क्या? हाँ ऐसी कौन थी एड़पट बहु करके लेके आया, क्या उसने गोदड़िया जला डाली, चिंदिया जला डाली, आए बिरयानी पकाने का बोल रहा तो वो खीर पका दी? लोगों के खुशी के घर में जाके ऐसे बाबा के बदनामे करेंगे तुम जाके? क्या वे एड़ो हो, तुमको तो कव्वाले भी नहीं गाते आते, अनुबंध के चमकीले कपड़े पहन के बोले हम कव्वाल है, वाह रे वाह, और तू भी सुन दे कव्वाल, अभी दवा दूंगा तेको, और ये कव्वाली भी दूंगा तेको साथ में, तेको मालूम नहीं है मैं क्या है, कव्वाली लेके जा यहाँ से, कव्वाली भी ले जा, दवा भी ले जा, सुन मुंगले, ये मुंगले इधर आ दे, कौन दे नल्ले में दे ज्यादा धीरे बोल, कलीजा गिरेगा बंद करके जमीन पे, ये दोनों कव्वाले हैं, इनको अपनों कव्वाली सुनाने का समझ गया ना, कव्वाली सुनाने का इनको समझ गया ना, सुनो रे मालूम है क्या बेटा, कभी नहीं सुने तुमने कव्वाली, सुन के जाओ दोनों, हाँ मुंडे क्या देख रहे एक दूसरे के, सुनो झलक दिखला जा आजा, झलक दिखला जा आजा, झलक दिखला जा आजा, एक बार आजा, एक बार आजा, एक बार आजा, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे न कटे रतियां, झलक दिखला जा, झलक दिखला। जब ढोलक बोल रहा ना बीच में तो ढोल की बीच में नहीं आती, हम ये ताले बजा चक 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 मच्छर मारा कदे मैं गौ वाह 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 मराठी में कव्वाली का मना लगिन कर पैजे खेती वाला नवरा पैजे तब जिन न मन न न मऊ न न मन ती न मन न मन न मन न मन न मन न मन लगिन कर पैजे खेती वाला नवरा पैजे जिन न मत न न मन न मन ती न मन न मन न मन न मन न मन न मन न। अब अगर तुम्हें झब्बा झब्बा पांग पांग करो ना तो तेरा पेट चीर के बेटा, जितने छोटे छोटे ढोल चिपके लेना तेरे पेट में वो सारे काट लूंगा, समझ आ गया क्या? हाँ नहीं तो क्या बोल करते होते, और तू क्या खड़ा रहे इधर उधर देखते हैं, हकालते नहीं आवा, हकाल इनको, चलो जाओ रे मेरे को तुम्हारा इलाज भी नहीं करने का, चलो भगवा डॉक्टर का है। अरे डॉक्टर भी मैं है। अरे भाई डॉक्टर का है। डॉक्टर मैं है। हेलो मत क्या कर पे बैठ के आ रहे तुम? डॉक्टर है। अरे
अरे भैया तू डॉक्टर है क्या? अरे क्या रे गुच्चो बेटा तुम्हारे तुमको बोल देता हाँ उम्र में तुम एक तो बड़े है इससे तुमको ना कुछ बोल नहीं रहा मैं। गुच्चू बेटो ऐसा हंसते क्या है? ऐसा लग रहा चक्की में से अनाज खलास हो गया। वाह दे वाह, ये भी कोई बात हुई क्या तुम्हारी? अब मेरे डॉक्टर होने से क्या तुम्हारे गुर्दे में तकलीफ होती क्या हो? अरे बाबा मैं यहाँ दवा खाना चला रहा, यार खाना नहीं चला रहा, इतना ताने बच्चे गप एला के मंग रहे, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी। वाह दे वाह, हाँ मेरे पुलाव रखे ले, हाँ मेरे बिरयानी रखे ले, हाँ मेरे खीमा रखे ले। वाह दे वाह, क्या करना बेटा, मेरे पूरे एक से एक पकवान, एक से एक चीजें लाते, बहु भी है, एक से एक पकवान ऐसा मेरे सामने से ऐसा लेके चलती, हालत तक का खा लेती, मेरे को भूख ही नहीं लग रही। फापट मत करो, फापट मत करो, ऐसे एलाओ मत बच्चे के घर, मैं देख रहा हूँ तू कसम से तुम ना गलती से आदमी बन गए, अगर औरत रहते ना तो क्या मालूम कितने घर उजाड़ते थे तुम। मैं कहता ना तुमको अभी फापट कर रहे, एक तो वहां पे कदम भर के उधर उधर। अरे मेरे बाप रे, ऐसा लग रहा तुम्हारी छाती में तो एक हाथ डांसर दफन है। बास अरे बास, तुमको खुदा रसूल का वास्ता बन, सुई लगाना पड़ेंगी तुमको। हाँ तो बाबा, तुमको बीमारी बड़ी खतरनाक हुए रहे, ये बीमारी में या तो आदमी मर जाता नहीं तो फिर पागल हो जाता। तेको कैसे मालूम? अरे ये बीमारी मुझे खुद हुए है। मेरा कहने का मतलब है, मैंने किताब में सब पढ़े है। तू भी कैसा पटर पटर बाता कर रहा। अरे भाई मेरे को भूख ही नहीं लग रहे, मेरा कुछ कर। अरे ये तो कदमा गोटिया नहीं खेल रहा, वही सोच रहा मैं कि मैं तुम्हारा क्या करूं। तुमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा मालूम है क्या? चलो खड़े हो जाओ और जाके लेट जाओ वहां पे जाके। अस्तीन करो जरा सा ऊपर और हलो मत, हलो मत आए मेरा नाम नहीं तो कहीं भी लग जाएंगी नस। बताओ नस, एक कंप्यूटर छुरी काट रहे, ये कौन सी छूती काड़ा है तूने? मुंह कौन था छूती कौन दिया समझ में नहीं आ रही। इधर आ और सुन, अब कभी ये हले ना तो इनका पेट ना चिर लाल, ना सला भयंगा पेट, ना लगेंगी भूख, समझ आता क्या? इधर आ। लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानते। चपासी सुई लगाया मैंने, ऐसा बच्चे के गत एला दे तुम मालूम है क्या? छुरी हटा दे क्या, वही छुरी तेरे पेट में मारू ले। आखिर फिसका देगा तू, आखिर फिसका था क्या दे? भूलगा भूलगा एकदम लाइन से वो गोटिया नीचे कर। खाना मंगाओ भाई, खाना मंगाओ, खाना मंगाओ ना खाना खाऊंगा, खाना मंगाओ ना खाना खाऊंगा, खाना मंगाओ ना खाना खाऊंगा। अरे ये दे दे भाई। अरे कागज के फूल है वो, कागज के, कागज से तुम्हारा पेट भरेगा, जाओ भी चुनते फिर खाते पीदो। लाल वाली दे दे। अरे ये वाली पेचिस की है। पीली वाली दे दे। अरे ये वाली मरोड़ की है, मरोड़ जब होता पेट में उसकी है वो। हरी वाली दे दे। अरे वो सिर दुखने वाली है वो। अरे इतनी भूख लगी ना तुमको तो क्या अब क्या मेरे कंपाउंडर को खाते इसको? अरे भाई इसको तो गलते गलते 3 दिन लग जाएगा। डॉक्टर बहुत हो गया तेरा। खाना मंगाओ ना खाना खाऊंगा, खाना मंगाओ ना खाना खाऊंगा, खाना मंगाओ ना खाना खाऊंगा। ये फोटो खा दे, फोटो खाएंगे, फोन खाएंगे, फोन खा दे क्या ये खाएंगे? रजिस्टर दे, कागज इसमें खा दे, ये फोटो खा लो, बच्चों के फोटो खा लो,
आर्नोल्ड को खा लो, पसदे खा लो, अन अगर वो भी नहीं हुआ ना तो टुक नल्ली खा लो। ए जा दे टुक नल्ली ला दे, कांची खिलाता तुमको आज मैं। मुझे बाप दे गया दे आ दे ज़्यादा वो काज की फेंक दे सब आ तो मैं भाग से जाके अरे बाप डॉक्टर है क्या डॉक्टर है क्या डॉक्टर हाँ डॉक्टर है क्या हो कहाँ है डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है हो डॉक्टर है क्या डॉक्टर अरे तो ये तुम्हारे टंबे टंबे आंखें खाली देखने के है क्या डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ही बैठेगा ना यहाँ पे आए क्या भंगार वाला बैठेगा यहाँ पे क्या तकलीफ है वो बोलो बस बहुत तकलीफ है मेरे को ऐसे कर तो छिछोरे मत ही जाओ आंखें मार मार के बीमारी बता देंगे तकलीफ है मेरे को तो तुमको तकलीफ होती तो मैं क्या करूं मेरे पेट में छुरा मार लूं क्या मैं पेट दुख रहा पेट अबे तो तूने भय के नल के नीचे के हंडा रख के आया गया यहाँ पे लाइन से बताओ क्या हुआ एड़े एड़े बात कर दे वहां पे एक तो बोले बोले बहुत तकलीफ है बहुत तकलीफ है बहुत तकलीफ है हो कस के पुकरा दे रहा हाँ समझता मेरे को भी मुंह खोलो हेट चार साल का था जब से वही सुन रहा मुंह खोल आ कर यूं कर अरे कुछ नवा लाओ ये तो पीठ खोलो फिर चलो ये क्या कह रहे तुम अरे तो तुम्हारा एक हाथ मुंह पीठ के पीछे भी है क्या एक ही मुंह देता ना इंसान को क्या तुम्हारा पीठ के पीछे भी एक हाथ मुंह है तो बता दो मेरे को चलो खोलो आ करो आ करो बस बंद करो अंदर का तुम्हारा दवा दे दो मैं तुमको ये तीन गोलियां दे दो मैं क्या ये तीन गोलियां लो फर्क पड़ना ही होना इससे ये लो ये तीन गोलियां क्या हो तीन ही गोलियां दे रहे तो थैला लाया क्या तुमने थैला थैला भर के दू क्या फिर मैं तो माल टक मंगा ले एक हाथ उसमें भर के दे देता ये तीन गोलियां आए मालूम है क्या सुन लो तरीका गांव से सुनो ये पहली गोली है ना सुबह लेना आधा लीटर दूध के साथ आन ये जो है ना ये वाली गोली दोपहर को खाना पहले चार मोसंबे लेना अच्छे बड़े बड़े आए बड़े बड़े लेना एकदम रस वाले उसके बाद शाम को है ना अच्छा मजे का अरवा तर करके खाना हलक तक उसके बाद लेना गिलास भर के दूध और ये दूध से फिर रात को लेना ये आए बोल देना हाँ मैं ये लो जैसा भी रहेगा कल मेरे को बताना आके लो पैसे कितने हुए तुम्हारे 10 रुपये ये आखिरी 10 की नोट बची थी मेरे कने ये लो अब ये बताओ ये दवा मैंने क्या तुम्हारा झोपड़ा बेच के खाना क्या मेरे फालतू बात कर दे तुम आधे जो हिसाब से तुम्हारी तबीयत है ना जो हिसाब से तड़फड़ रहे थे तुम वो हिसाब से मैंने दवा दिया अन तुम्हारी खुदाक बताया मेरे ऊपर कदम हो रहे तुम मरीजों को क्या लखपति समझ लेते क्या हो तुम जा रहा मैं देख जैनिया नर्स से शादी कर लिया नो देख मैं कर लूंगा बाद में बोलना मत हाँ क्या देख दोस्ती में तूने गद्दारी कराई है तेरे को एक दिन का टाइम दिया था मैंने बात किया तूने कर लूंगा मैं शादी से मेरा कंपोड़ा दे तू मेरा बाप नहीं है मालूम है क्या चटा चटा के बोलता दे तू मैंने लेके गया था उसको अकेले में मैंने बोला शादी का क्या बोलती मालूम बोले मुझे मैं दो लोग को बहुत ज्यादा पसंद है कौन बोले एक बोले अल्लामा इकबाल और बोले एक मिर्जा गालिब इसका होगा मैंने बोला बाप इसका पहले ही चार लोग से चक्कर चल रहा तो मेरा मक्का करा मैं आगा फिर जैने तू फेल हो गया फेल हो गया आप देख मेरा काम
ठीक है? नहीं, बगीचा है ये, बगीचा। ए तू डॉक्टर है ना? डॉक्टर नहीं है, माली है ये बगीचे का। आए जरा लाइन से बोलना, घूमने आया क्या? आए मजाक करने आया क्या तू? क्या काम है देखू? डॉक्टर साहब टेंशन मत बताओ, इनसे ज्यादा टेंशन में मैं, अपने बच्चन साहब बीमार है। बच्चन? हाँ अमिताभ बच्चन बीमार है। सच्ची का अमिताभ बच्चन बीमार है? सच्ची का बोले तो मेरे रबड़ का है। तो यहाँ पे क्या हिदायत का पंचायत था तू? हाँ जा ले गया जा। अमिताभ बच्चन बीमार है, होगा मैं भी डॉक्टर है, फिर दोनों में सिर्फ क्या पता फर्क है, बस वो एक्टर है और मैं डॉक्टर है। बहुत तकलीफ है, दो में तीन चाय दे, बहुत तकलीफ है, पानी दे, चाय दे। दवा खाने में तुम्हारी होटल बंद करो, साइड में हो जाओ। लाना तेरे अमिताभ की बात, तेरा अमिताभ कहाँ है? अमिताभ बोला तुम्हारा नंबर अभी नहीं आएगा, होटल जरा सा बंद करो और गुच्चू बैठो वहां पे जाके। ला दे तेरे अमिताभ बोला। अरे गौर से देख, यही अमिताभ बच्चन है, आके ना हुँ? चार चार दे। अमिताभ बच्चन? अरे रे अमिताभ को अगर घसे ना तो इससे ज्यादा मैं निकलेगा उसके आंगन पे। हाँ नहीं तो क्या बोले अमिताभ बच्चन? अरे अमिताभ बच्चन कौन थी केटनी में से बाहर आए ले हो तू? चाला तीन ला चार ला ला देवा, हालत के हिसाब से है ना, तुम्हारा नाम अमिताभ बच्चन नहीं रहने हो ना। क्या तक तक लगाए डॉक्टर, मच्छी बाजार है क्या? दवा खाना ही है, पेशेंट को चेक करो। ठंडा हो जा, तू चा गरम कर। आधा आधा ज्यादा आए ओए करो मत। और ये जो तुम्हारी मुंडी है ना, इधर मत देख के बोलो डॉक्टर तो मैं पचाऊंगी, समझे ना? तीन दे पांच दे, वाह दे वाह, कमाल कर दे तुम। हाँ नहीं तो क्या लाया वहां पे। आधा आधा अमिताभ बच्चन घास तेल में का बुच्चन है तू, घास तेल में का बुच्चन। हाँ क्या हुआ? अंगार हो रही, अंगार कब से हो रही? दो पांच दिन हो रहे। ऐसा चुमा चुमा दे दे, चुमा चुमा दे दे चुमा। अरे अरे ज्यादा धीरे, अभी तुम्हारे पेट में अंगार हो रही थी ना, इस तो ज्यादा सर तुम्हारे पेट में है क्या? ये छिछोदे गाने गा रहे भाई को देख के, तुमको लगता क्या कुछ है? मैं बीमार नहीं है, मुझे तो मोहब्बत हो गई। बच्चन लाया था तूने, मोहब्बत हो गई बोले? अरे रे जा पे तू खत्म होता ना, मोहब्बत वहां से शुरू होती थी मालूम है? अरे कुछ चुप, वाह रे वाह, तू आ जा इधर, मत बोले तू खत्म ही है। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। काय की तकलीफ, बच्चा जिद कर रहा था, मतलब चलो हो गया घूम के दवा खाने में। अब मैं आया देखा, दवा खाना तो बहुत अच्छा बनाया डॉक्टर, बहुत अच्छा बनाया, आते जाते रहूंगा। डॉक्टर दवा खाना बहुत भारी बनाया, लगे रे आते जाते रहूंगा। आते जाते रहूंगा, इसको लेके जा दे। बीमार नहीं है ये, बीमार नहीं है, इसके अंदर है ना, इसकी छाती में छिचोड़ा बैठे ले लाता वहां पर, इससे तकलीफ हो रही उसको, छिचोड़ा पना करता वहां पे, मेरे दवा खाने में नजर ना दे। आते जाते रहूंगा बोले। अब अगर इसके बाद तुम मेरे को यहाँ पे दिखे ना दवा खाने में, तो समझ लेना क्या हुआ, ऐसी पाव भराए तुम। हाँ ऐसी पाव भराए, अब कभी दिखे तो खाली अतपाव रहेंगे तुम। लेके जा रहे क्या, लेके जा एक चा पिला रहा विदान होटल का टूटेल बाकड़ा। ऐसा डरेस पेन भी आती है, सकरात वाला भी देख के साला तड़तड़ करने लगता है, काम धंधा देख जाए नहीं। क्या तू कौन है? पन डॉक्टर जैनिया बोल। सही बोल, डॉक्टर है के कौन है? कहाँ बैठा तू? बैठा दवा खाने में बैठा ना, मक्खियाँ मार रहा हूँ तू वहाँ पे।
माता? हाँ मक्खिया माता, मैं मक्खिया माता। आज ना तेरे बाबा आए नहीं दवा खाने में, इससे मक्खिया माता। अच्छा बस फोन। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर, ओ डॉक्टर, डॉक्टर मामू, डॉक्टर मामू, डॉक्टर मामू, डॉक्टर मामू। ओ ए मेरे फालतू भांजे, इतना क्यों तलमल रहा तू? मैं यहाँ पर ढेल है। अरे रे रे रे, तुम डॉक्टर है? क्यों, मेरे डॉक्टर होने से क्या तेरे घर में अंगार लग गई? आए बाप पास गया तेरा? अरे जरा तमीज से बात करो, डॉक्टर है ना तुम? अरे अपने बड़े जवान ने ऐसी कैसी पटकनी खाया हो, बहुत बुरा बीमार पड़ गया यार वो। तूने ये क्या लाया तूने ये तमाशा? आए क्या हुआ उसको? बीमार है वो? अरे बीमार नहीं है, मेरे को तो ऐसा लग रहा उसके अंदर एक आधी तवाए दफन होगी उसके अंदर। बात मत बता, इधर आ, आगे बैठ यहाँ। ए अमिताभ के बालगम, पाँव नीचे कर। अरे क्या हुआ कहना? मेरे को बहुत आजीब आजीब बीमारी हो रही हो। अरे क्या हुआ कहना? अरे मत होता ना तो मेरे आंखें बंद हो जाते। ऐसा आंखें पटले पे रख के सोया कर? तो मेरे में नाटक करता ना दोपहर फिर भूख लग जाती। लग जाती है। रोटी मत खाया कर, लोखंड खाया कर, लोखंड। डॉक्टर साहब मैं नहाता ना तो पूरा अंग गिल्ला हो जाता। उन्हें गिल्ला जाना। ऐसा एक काम कर कर तू, नल बंद करके नहाया कर। यार एक बार मैंने बताया नहीं यार। अब क्या है? अरे मेरे बाबा नहाते ना तो मेरे को सर्दी हो जाती। पहले ये रिपोर्ट निकाल के तेरे बाबा नहाते क्यों? ये क्या उम्र है क्या उनके नहाने की? आकार पूरा आकार है। निकल दे पूरी। ये तो दवा खाना है। क्या दे अवचीन अवचीन दवा खाने में हिटका रहा क्या दे? अरे तुम चुप बैठो। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या पहलवान है, क्या तुम है क्या? अरे बाप रे बाप, देखो क्या हालत है, देखो देखो क्या डंड है मेरे बाप रे बाप। अरे बाप क्या बड़ी ना कर रहा मेरे बाप रे बाप। अरे बाप क्या दांत दिखा रहा हो, तुम्हारा ही फोटो है ना, सही बोलो। नहीं मैं तो खालू है वो। अरे तेरे इतने कायदे आके है ना बड़े बड़े, जब वो फाड़ के देख वो कौन है तो? क्या झूठ बोल रहे हो, देखो तुम्हारे जैसी नाक है उसकी। अरे तुम है वो? अबे मैं नहीं है। अरे तुम ही है वो? हाँ मैं है वो, बस मैं है वो। अरे बाप रे बाप, क्या झूठ बोल रहे हो, लगते रहने तुम ऐसे। अरे डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान है, तुम मेरे एक सवाल का जवाब देंगे क्या? तुम सवाल पूछता मेरे से? मुझे सबसे बड़ा सवाल दिखता तो चीने भेजा दे सिपली के पुतले। आ? क्या पूछने का पूछ? क्या बैठू के इस पे? मैं यतीम है, अब मेरी बहुत बुरी बद्दुआ लगती है, फंस सका के फिर भी पूछता। अरे डॉक्टर साहब जंगल में एक हरन मर गई, इल्जाम हत्ती पे आ गया, हत्ती को पुलिस ढूंढ रही। आने एक मुंगी आई, उसने गुपचुप से हत्ती के कान में बोली, हत्ती घिदी घिदी हंसने लगा। बताओ मुंगी ने क्या बोली? अरे बताओ ना, क्या सोच रहे बताओ ना। अरे इतना कहीं सोचते क्या? मुंगी ने बोली, ये हत्ती मेरे पेड़ के पीछे छुप जा। बताओ कायदे आंखें के? अरे मैं बच्चा है। चलो जान दो बताओ, रात काय से शुरू होती? हाथ का दे मैं। अरे तुमको जरा भी दिमाग नहीं है, रात शुरू होती रे से। अरे मैं बच्चा है। वो सवाल करता आए बेटा, मैं भी एक सवाल करता, छोटा सा जवाब दे आए चबड़े। अब जवाब देना तू आए मेरे एक छोटे से सवाल का। एक गधा है, गधे को 10 फुट की रस्सी से बांधे ले और 12 फुट की दूरी पे चारा पड़े ले, गधा किसी के खाएगा? चल बता। हट गया, अब मेरे से जवाब सुन बेटा, गधा भी हद का था। और बेटा सुन, मैंने तेरे मजाक का नहीं है, तेरी दवा है मेरे पास। आए रुक जा, मूंगे ये मूंगे।
परेशान कर दिया। कैसा भगाया मैंने इसको, जिंदगी में पहली बार तू सही टाइम पे काम आया। तू डॉक्टर, तेरे साथ तो अच्छा करना ही नहीं। डॉक्टर, तू डॉक्टर है क्या? नहीं तो फिर क्या तुमको चापता दिखता क्या? अभी समझ में आ जाएगा। ये गोली कौन सी है? वो पीली वाली गोली है। और ये वाली? वो लाल वाली गोली है। वेरी गुड, तेरा डॉक्टरी का सर्टिफिकेट बता। मत जैसा मैं तुमको मेरे सर्टिफिकेट बताऊ का है? कौन है कौन तुम? मैं CGI ऑफिसर सलमान खान, नकली डॉक्टर बनकर लोगों को लूटता है। अरे तेरे से अच्छा तो कचरा चुनने वाला गरीब है जो कम से कम लोगों को धोखा तो नहीं देता। अबे इंस्पेक्टर साहब, गरीबों की तारीफ करना है ना दो जुमलों में एकदम आसान काम है। मालूम है कि तुमको, अरे तुमको मालूम क्या है गरीब क्या है? अरे जितना गरीब से मैंने देखा ना गरीब को, मैं बोलता तुमने भी नहीं देखे ले। मालूम है क्या? अरे गरीब की जिंदगी क्या है हो? बम ब्लास्ट में ना मरने के काम आता, सैलाब में ना बहने के काम आता, और पुलिसों की है ना गोली से मरने के काम आता। अगर ये सब बातों से बच भी गया वो, तो ये ढेपरे ढाबरे लीडर है ना, उनको वोट देने के काम आता। मालूम है क्या तुमको? बोले गरीब अच्छा है। अरे तुमको मालूम नहीं है? ये सब लेक्चर पुलिस स्टेशन में चलकर सुनाना, वहां आराम से सुनना। हवलदार ले चले से। अबे